का। सिरसा के स्थानीय पंचायत भवन में दूसरी बार लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति, आपको बता दें कि कष्ट निवारण समिति की यहां पर बातचीत की गई, और इसी के साथ आपको बता दें यहां पर बैठक का आयोजन किया गया, और इसी दौरान स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता इसमें शामिल हुए। इस बैठक में कुल 14 शिकायतें रखी गई जिसमें 10 का मौके पर निपटारण किया गया। और आपको बता दें इस दौरान मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि लोगों को न्याय दिलवाना हम सबकी ड्यूटी है। वहीं निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवालों पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हम चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिसमें 6 जो हैं वो पुरानी थी, काफ़ी समय से लंबित थी, और 8 नई थी। तो जितनी लंबित थी वो सभी की सभी आज यहाँ ग्रीवेंस कमेटी से ड्रॉप कर दी गई हैं, और जो नई थी उसमें से 4 पेंडिंग हैं, 4 का तुरंत हमने निपटारा कर दिया। अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी, कोई सड़क ठीक होने की, कोई ट्यूबवेल की, कोई बैंक का कोई मुआवजा नहीं मिला, या किसी के घर छोटी छोटी बेटियां हैं वो भी कोई ले गया उनको, इस तरह की अलग कुछ कंप्लेंट जो बहुत पुरानी थी, वो बहुत पुरानी थी, उनके केसेस कोई सेशन में चल रहा था तो कोई हाई कोर्ट में चल रहा था। तो ऐसे 14 में से 10 कंप्लेंट्स का हमने आज निपटारा कर दिया, 4 बाकी हैं, उनको नेक्स्ट मीटिंग तक हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए SP साहब को भी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको हमने बोला है।